हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको उस चैनल की ओर लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों चैनल ने किस प्रकार से वर्क किया है। दोस्तों चैनल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया जिसका नाम है बिलियनरी DI4RY। 518,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 543 अपलोड्स है, सब्सक्राइबर देख सकते हैं दोस्तों। कंट्री यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है और चैनल टाइप पीपल है। अर्निंग देख सकते हैं दोस्तों 9.3 के मिनिमम है और 1,48,000 यहाँ पर मैक्सिमम है। वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों सिग्मा रूल की वीडियोस अपलोड की गई है। दोस्तों वीडियो कोई भी हो, यहाँ पर सिग्मा रूल का उपयोग किया गया तभी ये वायरल हो रही है। दोस्तों सिग्मा रूल और रिस्पेक्ट की वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है। शॉर्ट बाय पर मैं आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मिलियन व्यूज़ है 3 मंथ के अंदर, कितने ज़्यादा यहाँ पर व्यूज़ आ चुके हैं दोस्तों बहुत ही कम टाइम में। और अर्निंग भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अब सोच रहे हैं कि शॉर्ट से अर्निंग नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट से भी अर्निंग होती है। ब्राउज फीचर और सजेशन से जो वीडियोज़ आपकी देखी जाती है उससे आपकी अर्निंग होती है, शॉर्ट्स फीड से देखी जाने वाली वीडियो की अर्निंग नहीं होती दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर वर्क किया गया है। फुल स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको एडिटिंग भी करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर अपलोड करनी है। सबसे पहले मैं एक वीडियो को यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ। वीडियो को मैंने यहाँ पर प्ले कर लिया, कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल खाली है। यहाँ पर टाइटल का ही उपयोग किया गया, सिग्मा रूल और कुछ इमोजी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं बेस्ट लाइफ मोटिवेशन, और मैं आपको इमोजी बता देता हूँ, आपको getemoji.com वेबसाइट पर चले जाना, वहाँ जाकर आपको इमोजी भी देखने को मिल जाएंगे। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से कॉपी करना होगा, उसके बाद आपको सिंपली से पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के लिए आपको डबल क्लिक करना और आप सिंपली से जाकर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से करते हैं तो आपके सामने कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको इमोजी देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको एडिट करना है। दोस्तों आप सबसे पहले व्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों, मिलियंस में व्यूज़ है सभी वीडियोज़ पर। आप देख सकते हैं किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 1 मिलियन तो देखने को भी नहीं मिलते दोस्तों। यहाँ पर 2 मिलियन प्लस ही व्यूज़ है। अब मैं आपको रिस्पेक्ट 999 प्लस सर्च करके दिखा देता हूँ, 3.86 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों, 481 अपलोड्स है। कितने कम समय में यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चैनल को ओपन कर लेता हूँ, वीडियोज़ के सेक्शन पर चला जाता हूँ। वीडियोज़ के सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर भी दोस्तों आपको मिलियंस में व्यूज़ देखने को मिलते हैं, 12 दिन में 21 मिलियन। और यहाँ पर देख सकते हैं लाखों के मिलियंस की बात हो रही है दोस्तों, कितने ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और कितने ज़्यादा यहाँ पर व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर मूवीज़ की क्लिप्स है और रिस्पेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इमोजी का ऐड कर दिया गया और हर एक टाइटल में यहाँ पर रिस्पेक्ट का कीवर्ड का यूज़ किया गया है। आप भी कुछ इस प्रकार की वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पर फिल्मोरा ओपन कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मीम्स ऐड किए गए हैं, सिग्मा रूल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद दोस्तों ये टाइटल है, टाइटल भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको ऐड करना है। कुछ इमोजी मैंने यहाँ पर ऐड किए गए हैं, टाइटल के लिए आपको टाइटल्स के ऑप्शन पर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। इमोजी मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, उसी को मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों, इमेज के रूप में आप भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली से आपको क्लिप के ऑप्शन पर आना है और राइट क्लिक करना है, कलर करेक्शन पर चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कलर करेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको कॉपीराइट का इश्यू देखने को न मिले। आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है, एडजस्ट ऑडियो पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पिंच को एक्सटेंड करना होगा ताकि आपकी ऑडियो पर भी कॉपीराइट देखने को न मिले। आप यहाँ पर पिंच को एक को एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर पिंच को एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है, वीडियोज़ के सेक्शन पर जाना है, यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फ्लिप के आइकन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको फ्लिप करके दिखा देता हूँ, वीडियो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको एडिटिंग हाई लेवल की हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आप भी यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ आपको ये 3-4 टिप्स यहाँ पर फॉलो करनी होगी, आप कॉपीराइट से भी बच सकते हैं, आपको यहाँ पर सोर्स फंड भी मिलेगा और आपकी मोनेटाइज भी होगी वीडियोस आपकी। अगर ब्राउज फीचर और सजेशन से देखी जाती है तो दोस्तों आपको अर्निंग भी होगी दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से वर्क करना हो। आप स्पीड ड्यूरेशन भी यहाँ पर थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट देखने को न मिले। इस प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो को एडिटिंग करना है और एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद अपलोड करना है। टाइटल भी मैंने आपको बता दिया, कुछ इस प्रकार से वर्क करके आप चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर।